अमेरिका में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 4000 के पार हो गई है। यह संख्या चीन, इटली और स्पेन से भी अधिक है। वहीं हर 2.5 से 6 मिनट में एक मौत होने के चलते न्यूयॉर्क में अस्पतालों के मुर्दाघर भर गए हैं। इधर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस रिसोर्स केंद्र ने बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे में देश में 884 लोगों की मौत हो गई है। यह संख्या एक दिन में हुई मौतों में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने हर अमेरिकी से कठिन दिनों के लिए तैयार रहने को कहते हुए चेताया कि आगामी 2 सप्ताह बहुत दर्दनाक हो सकते हैं।